अस्सलामु अलैकुम माय पेरेंट्स, आज के लेक्चर में हम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, जो कि जहांगीर बादशाह के नाम से मशहूर हैं, मुग़ल बादशाह जहांगीर, इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनकी कंट्रीब्यूशंस और इनके दौर का एक अहाता करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इनका जो दौर है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे तकरीबन दो दिहाइयों तक हुकूमत की बादशाह जहांगीर ने कैसा रहा। इससे पहले हमने इनके जो वालिद मुग़ल बादशाह अकबर की लाइफ हिस्ट्री को देखा, जिन्होंने तकरीबन 5 दिहाइयों तक, 50 बरसों तक हिंदुस्तान पे, बरसगीर पाक को हिंद पे हुकूमत की थी, और उनके बाद जहांगीर तख्त नशीन हुए। क्या हालात थे और कैसे इन्होंने हुकूमत को चलाया, ये तमाम हम तजिया इसी लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर, जैसा कि मैं बताता हूँ, कि बहुत ज़्यादा हम मुख्तसर और रेलेवेंट रखते हैं ताकि सीएसएस और पीएमएस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको ज़्यादा रिसर्च के ऊपर टाइम ज़्यादा ना करना पड़े। जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम फिल्टर करके इन लेक्चर्स का हिस्सा बनाते हैं, की फैक्ट्स हम इसमें बयान करते हैं और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो, ये हमारा इसमें पर्पज़ होता है कि जो इस इन लेक्चर्स के सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो और टाइम उनका ज़ाया ना हो। इससे पहले लेक्चर में हमने अकबर बादशाह की लाइफ का इहाता किया, आज के लेक्चर में हम जहांगीर और उनके साथ शहरयार मिर्ज़ा का जो दौर है, जो कि 2-3 महीनों पर ही मुश्तमिल था, उसकी लाइफ का भी जायजा लेंगे, उनके दौर का भी जायजा लेंगे। आपको मैं बता दूं कि शहरयार मिर्ज़ा जो हैं, ये 23 वर्ष की उम्र में ही इनको कत्ल कर दिया गया था। तो जहांगीर की बेसिकली ज़्यादातर ये लेक्चर जो है जहांगीर के बारे में होगा, लेकिन आखिर में कुछ टाइम हम शहरयार मिर्ज़ा की के बारे में भी बात करेंगे, ताकि हम अगले लेक्चर में शाहजहां के ऊपर बात कर सकें। हमारा जो अगला लेक्चर होगा इस सीरीज का, वो शाहजहां के बारे में होगा। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, चौथे मुग़ल बादशाह, इनका जो इम्पीरियल नेम था, जो शाही नाम था, वो जहांगीर, और पर्शियन में इसका मतलब है कि जहांगीर, पूरे जहान का फातेह। इनका जो दौर था वो नवंबर 3, 1605 से लेकर अक्टूबर 28, 1627 तक रहा। तकरीबन आप कह लें कि 22 सालों तक इन्होंने हुकूमत की, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि इनका जो एक्टिव पीरियड था वो बहुत कम रहा, ये बीमार रहे। ज़्यादातर इनके प्राक्सी जो है रूलर, उनकी बेगम नूर जहाँ रही, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनके स्टेट अफेयर्स में, और ये इतने ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रांग रूलर नहीं थे। अपने वालिद के बरक्स ये बहुत कमज़ोर एम्परर थे। ये तमाम चीज़ें हम इसी लेक्चर में जानेंगे। प्रिंस सलीम, यानी इनका असल नाम था सलीम, और ये 31 अगस्त 1569 को पैदा हुए फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर का एक महल या दरबार की प्लेस भी थी। और इनकी जो वालदा थी उनका नाम था मरियम उज़्ज़मानी, और ये इनकी वालदा थी, अकबर की बेगम थी, वन ऑफ हिज वाइफ्स, मरियम उज़्ज़मानी यहाँ वहाँ पे पैदा हुए। इस जहांगीर बादशाह जहांगीर, आप इसको याद रखने के लिए ये बात याद रखें कि इनका जो मकबरा है वो लाहौर में दरिया रावी के किनारे पे वाकया है, जिसको मकबरा जहांगीर भी कहा जाता है। तो जहांगीर की स्टोरी जो है, इनकी लाइफ हिस्ट्री को समझना, इनकी इनकी जो दौर है, जिस दौर में इन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, इसको समझने के लिए आपको कोई तकरीबन 6 करैक्टर समझना होंगे। पहला करैक्टर है नूरजहां का, ये इनकी बेगम थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। खुसरो मिर्ज़ा इनका बेटा था, जो इनसे सबसे पहले जिसने बगावत की। फिर आसिफ खान, आसिफ खान नूरजहां का भाई था, यानी आप कह सकते हैं कि ये जहांगीर का साला था। और शहरयार मिर्ज़ा इनका बेटा था। प्रिंस खुर्रम, ये वही प्रिंस खुर्रम है जिसको
दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, और ये आने वाले जो 30 साल हैं ये इंडिया का हुक्मरान रहा, मुगल, नेक्स्ट मुगल एम्पायर रहा। फिर महाबत खान की बात करेंगे जो कि मुगल जर्नैल था। तो इनको हम मुख्तसरन, इनका जब इंट्रो हो जाएगा तो इनके इंट्रो से ही आपको जहांगीर की लाइफ स्टोरी समझ आएगी। जहांगीर इतना वीक रूलर था कि इसकी लाइफ को समझने के लिए आपको दीगर किरदारों को समझना होगा, क्योंकि इन किरदारों का रोल बहुत ज्यादा था जहांगीर के दौर में। और जहांगीर किसी हद तक एक बराए नाम हुक्मरान बन के रह गया था। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की बात हो रही है, जिनका नाम सलीम भी कहा जाता था और शेखू भी कहा जाता था, क्योंकि उस दौर के एक बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इनका नाम रखा गया। अकबर ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला उसको बेटा दे, क्योंकि उनके यहाँ बेटा नहीं हो रहा था, तो उसका नाम वो जो है वो इनके नाम पे रखेगा। तो शेख सलीम चिश्ती जो उस वक्त के बुजुर्ग थे, उनके नाम पे इनका नाम सलीम या शेखू भी कहा जाता था। तो प्रिंस सलीम जो है वो थ्रोन पे सक्सीड हुआ नवंबर 3, 1605 में, 8 सालों के बाद, 8 दिन, इनके वालिद की वफात के 8 दिनों के बाद। अकबर बादशाह की वफात के 8 दिनों के बाद तख्त नशीन हुआ प्रिंस सलीम नवंबर 3, 1605 में। जबकि उस वक्त इनकी उम्र जो है वो सिर्फ 36 साल थी। यहाँ पे ये अपने एक बेटे खुसरो मिर्जा को इनको कत्ल भी करना पड़ा, इनको रास्ते से हटाना पड़ा, क्योंकि खसरो मिर्जा और अकबर, अब मैं वही बात की तरफ आ रहा हूँ जो मैंने पहले बात की कि हमें इन किरदारों के बारे में बात करना होगी जहांगीर की लाइफ हिस्ट्री को समझने के लिए। तो खसरो मिर्जा जो था, अकबर का ख्याल ये था कि खसरो मिर्जा मेरे से उसके ख्यालात मिलते जुलते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अकबर ने एक दीन इलाही के नाम से एक नया जो रिलीजन था उसको इन्वेंट किया था, जो कि उस वक्त के जो मुस्लिम उलमा थे उनको काफी एतराजात थे उसके ऊपर कि इसने दीन में बहुत सारी बिदतें ऐड कर दी हैं, मजहब में बहुत सारी इम्परफेक्शन ऐड कर दी हैं। तो लिहाजा वो अकबर के दीन इलाही के सख्त मुखालिफ थे उस वक्त के मुस्लिम जो उलमा थे। खुसरो मिर्जा के बारे में ये ख्याल था कि अकबर के उस दीन इलाही का और अकबर के मजहबी अकायद से इसके जो अकायद थे वो मिलते थे। तो इसलिए अकबर की एक विल भी थी कि इसको जो है नेक्स्ट रूलर या एम्परर बनाऊंगा मैं। लेकिन उस वक्त का मुजद्दद अलिफ सानी का भी किरदार आ चुका था, और उनका जो चिराग था वो भी जगमगा रहा था, और उनके जो मुरीदैन थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी कोशिश ये थी कि खसरो मिर्जा जो है वो अकबर का जानशीन ना बने। लिहाजा उन्होंने शहजादा सलीम से बात की कि अगर आप हमसे कमिटमेंट करते हैं कि आप दीन में वो जो चीज़ें हैं जो अकबर ने उसमें शामिल कर दी हुई हैं और जो इस तरह का उनका बिलीफ सिस्टम है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो शहजादा सलीम इस बात पे राजी हो गया। उसे और क्या चाहिए था, उसको तो अपने तख्त से मतलब था कि मुझे तख्त मिलना चाहिए बजाय मेरे बेटे को मिले। तो लिहाजा फिर एक मनूवरिंग की गई और एक जो मुजद्दद अलिफ सानी के पैरोकार थे उन्होंने अकबर से मिलके इनको अपना जानशीन नामजद करवा दिया। अकबर का जानशीन नामजद हुआ शहजादा सलीम। अच्छा, जब शहजादा सलीम नामजद हो गया और इसने तख्त को संभाल लिया तो कुछ महीनों बाद रिवोल्ट किया खुसरो ने, खुसरो मिर्जा जो कि सलीम का बेटा था, यानी जहांगीर के बेटे ने रिवोल्ट कर दिया। उसके जहन में यही बात थी कि मेरा दादा अकबर तो मुझे नामजद करने के करीब था, लिहाजा तख्त पे मेरा हक है। तो इसी तख्त, इसी हक को जताने के लिए उसने रिवोल्ट कर दिया और
यहाँ पे बाप बेटों के दरमियान एक जंग होती है लाहौर के करीब। उस टाइम खुसरो को पेट्रोनाइज कर रहा था अर्जुन देव, जो 5वें सिख गुरु हैं। अप्रैल 1606 में जलंधर के करीब इनको शिकस्त होती है और ये आगरा में कैद कर दिए जाते हैं। और बाद में प्रिंस खुर्रम जो है, जो इनके सोतीले भाई होते हैं, यानी बाप की तरफ से तो भाई हैं लेकिन इनकी माएँ डिफरेंट थी। खुसरो मिर्ज़ा की माँ और थी, खुर्रम की माँ और थी, लेकिन बाप दोनों का जहांगीर था। तो भाई अपने सोतीले भाई को, स्टेप ब्रदर को कत्ल करा देता है बाद में। और इस तरीके से प्रिंस खुर्रम ने अपने जो मुस्तकबिल के तख्त में एक रुकावट को भी ख़त्म कर दिया, खुसरो मिर्ज़ा को ख़त्म करने के बाद। कहा जाता है कि ये जो बगावत थी खुसरो मिर्ज़ा और उनके साथियों की, वो इतनी ज़्यादा सख्ती से जहांगीर ने कुचला था कि जहांगीर ने खुसरो मिर्ज़ा के जो साथ देने वाले बागी सिपाही थे उनको नेज़ों में चुनवा दिया था। और उनकी चीखें जो हैं वो खुसरो मिर्ज़ा को सुनवाई जाती थी, ताकि खुसरो मिर्ज़ा को और बाकियों को इबरत हो कि आइंदा वो जहांगीर के हुक्म और या उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत ना करें। जहांगीर अपने तीसरे बेटे प्रिंस खुर्रम को फेवरेट समझते थे, लेकिन बाद में ये जहांगीर और खुर्रम के दरमियान भी मुखालफत हो गई थी, जिसका जिक्र हम करेंगे। बहरहाल खुर्रम जो है ये इतना कॉम्पिटेंट था, यानी फ्यूचर का शाहजहां, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, कि जितनी भी जंगें होती थी, जहाँ पे भी रेबिलियन होता था, जहाँ पे भी कुछ फतूहात हुई, वो जहांगीर के बिहाफ पे प्रिंस खुर्रम ने की थी। 1622 में जहांगीर ने खुर्रम को भेजा कि वो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा यहाँ की फोर्सेस के खिलाफ लड़े, जहाँ पे वो कामयाब भी हुआ। तो प्रिंस खुर्रम जो था उसका सितारा ऐसा था कि ही वॉज वेरी ब्रेव एंड कॉम्पिटेंट। अब हम आगे चलते हैं। जब जहांगीर ने तख्त संभाला तो कुछ रिफॉर्म भी की, कुछ अच्छे काम भी किए। मसलन उसने उसकी रिफॉर्म्स की बात करें तो सड़कें बनवाई, मस्जिदें बनवाई, वेल्स, कुएं बनवाए, सराय बनवाए, अपने नाम का सिक्के जारी किए, शराब नोशी पे पाबंदी लगा दी। हालांकि खुद ये शराब का रसिया था, लेकिन इसने अपने राया में शराब के ऊपर और इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। इनहेरिटेंस लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया, हस्पताल बनाए और लोगों को फ्री इलाज मुआलजा की सहूलियत फराहम की, और सवियर पनिशमेंट जो थी, स्पेशली एम्पुटेशन की, एम्प्यूटेशन, ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इसको AMP एम्प्यूटेशन पढ़ा जाए, ऐसी सजाओं को ख़त्म करवाया। और एक जंजीरी अदल, जो एक टर्म है, अदले जहांगीरी या जंजीरी अदल, ये टर्म बड़ी मशहूर है इनके इंसाफ की। इन्होंने आगरा फोर्ट में एक बहुत लंबी सोने की जंजीर लटकाई थी, जिसको जो भी साहिल आके हिलाता था उसके आगे घंटियां लगी होती थी, वो घंटियां बजती थी, और खुद बादशाह जहांगीर उस साहिल की जो दादरसी करते थे उनकी बात सुनते थे। तो ये इनके अच्छे काम थे। अब आते हैं इनकी शादियों की तरफ। इन्होंने पहली शादी की राजकुमारी मानबाई, जो उनकी कजन है, उनके साथ की, जो कि भगवंत दास ऑफ आमर, उनकी बेटी थी, फरवरी 24, 1585 में, और ये इनकी पहली शादी थी। यहाँ से पैदा हुए खुसरो मिर्ज़ा, और ये खुसरो मिर्ज़ा वही खुसरो मिर्ज़ा हैं जिनको इन्होंने बाद में कत्ल भी करवा दिया अपने बेटे खुर्रम के जरिए। और ये वही खुसरो मिर्ज़ा हैं जिनकी बात हम कर चुके हैं कि उन्होंने बगावत की थी, और ये वही खुसरो मिर्ज़ा हैं जिनके बारे में इनके दादा अकबर का ख्याल था कि इनको उनका जानशीन होना चाहिए। और जहांगीर ने बहुत सारी शादियां की, तकरीबन 10 के करीब शादियां या निकाह किए। उनमें से इनकी एक और बीवी थी जिसका नाम था राजपूत प्रिंसेस जगत गुसैन बेगम, और ये राजा उदय सिंह की बेटी थी, जो कि राजा उदय सिंह राठौर ऑफ मरवाड़, ये उनकी बेटी थी, उनसे शादी की। और यहाँ से पैदा हुए प्रिंस खुर्रम, मुस्तकबिल का शाहजहां मुगल बादशाह। ये शादी जो है ये 11 जनवरी 1586 को हुई, और
फिर इनकी जो सबसे मशहूर शादी हुई, जिस शादी ने इनकी लाइफ को चेंज किया, बल्कि रियासत का ढांचा तक तब्दील कर दिया, ये वो शादी थी जो उनकी शादी हुई थी महर उन्निसा के साथ। तारीख में ये बीवी इनकी नूर जहां के मशहूर नाम से मशहूर हुई। 25 मई 1611 को इन्होंने महर उन्निसा से शादी की और यहाँ से नूर जहां का किरदार शुरू हुआ। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि जब शरदत सलीम यानी जहांगीर छोटा सा था, बचपन में था, तो इसको महर उन्निसा से प्यार हो गया था, क्योंकि महर उन्निसा जो है मिर्जा गयास की बेटी थी, जो कि उस वक्त इनके कोर्ट में जो था वो किसी ओहदे पे था। मिर्जा गयास वहां पे इनकी बेटी, इनसे इंटरेक्शन हुआ और अगर ये जहांगीर को, यानी उस वक्त तो ये खैर प्रिंस सलीम ही थे, शहजादा सलीम को पसंद आई और इन्होंने कोशिश भी की शादी करने की, लेकिन जो इनके वालिद थे सलीम के, अकबर, अकबर को लगा कि शायद ये कहीं साजिश नहीं है मिर्जा गयास की तख्त पे कब्जा करने के लिए, तो उसने मिर्जा गयास को कहा कि आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दें। बहर अकबर और मिर्जा गयास दोनों ना माने और इन्होंने महर उन्निसा की शादी जो है एक और बंदे से कर दी, जो कि पर्शियन नोबल मैन थे बंगाल के, शेर अफगान उनसे कर दी। बाद में कुछ हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि जब प्रिंस सलीम तख्त नशीन हुए तो इन्होंने नूर जहां को हासिल करने के लिए शेर अफगन को भी कत्ल करवा दिया हो शायद, लेकिन इस बात में कुछ सदाकत या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहरहाल ये ख्याल किया जाता है कि शायद उनका हाथ हो या ना हो, इस बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन शेर अफगन की मौत के बाद फिर इन्होंने जो है महर उन्निसा से शादी की। महर उन्निसा बाद में भी अग्री नहीं हुई थी, लेकिन काफी सालों के बाद, कुछ सालों, साल गुजरने के बाद आखिरकार वो राजी हो गई, शादी हुई और ये फिर बहुत ज्यादा इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। बहुत खूबसूरत खातून थी, बहुत विटी थी, बहुत उनका विजडम थी, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी और इसी वजह से उन्होंने रूल किया, ना सिर्फ जहांगीर के दिल पे बल्कि हिंदुस्तान पे भी रूल किया। इनकी बात भी हम आगे जाके कुछ करेंगे। ये इनके जो भाई थे अबुल हसन, जिनको बाद में आसिफ खान का या आसिफ जाह का खिताब भी मिला, इनके भाई का। बाद में ये जो आसिफ खान है, जो इनका भाई, ये भी नूर जहां के अगेंस्ट इन दोनों की आपस में फिर बाद में नहीं बनती। उसकी वजह क्या थी वो भी हम इसी लेक्चर में आपको बताएंगे कि नूर जहां की अपने भाई आसिफ जाह से क्यों नहीं बनी। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले तो ये एक ही फैमिली थी, बहन भाई थे, लेकिन बाद में इनके दरमियान इख्तलाफात आए, तो वो क्यों आए वो हम बात करेंगे। आसिफ खान, ये वही बात मैं कर रहा हूँ, आसिफ खान ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी प्रिंस खुरम से कर दी। खुरम कौन था? मुस्तकबिल का शाहजहां। और खुरम कौन था? ये बेटा था जहांगीर की एक और बीवी, जुगत, जहांगीर की बीवी, जहांगीर की बीवी जगत गुसैन बेगम का बेटा था खुरम। तो आसिफ खान ने उधर शादी की। नूर जहां ने क्या किया, इसकी जो बेटी थी जो कि शेर अफगन से थी, यानी पिछले हस्बैंड से थी, जो कि वफात पा चुके थे, उस बेटी की शादी जो कि शेर अफगन से थी, उसकी शादी शहरयार से कर दी। शहरयार कौन था? शहरयार भी जहांगीर का बेटा था और ये एक कंकुबाइन या एक लौंडी कह लें उसकी औलाद था, यानी जहांगीर से एक लौंडी की औलाद में से था शहरयार। अब मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, टू जस्ट ब्रेक योर सस्पेंस, कि आसिफ खान की बाद में ये ख्वाहिश थी कि मेरा दामाद प्रिंस खुर्रम अगला हुक्मरान बने, अगला मुगल हुक्मरान बने, और नूर जहां की ख्वाहिश थी कि मेरा दामाद शहरयार जो है वो अगला मुगल फरमानरवा बने। इन इस वजह से दोनों बहन भाई के दरमियान, यानी नूर जहां और आसिफ खान के दरमियान जो है वो इख्तलाफात आए, आपस में एक दो जंगें भी हुई और वो हम जिक्र हम करेंगे। ये मेन वजह थी, दोनों अपने अपने दामाद को अगला फरमानरवा बनवाना चाहते थे। नूर जहां यानी महर उन्निसा का इन्फ्लुएंस स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
दस्तखत भी वही करती थी, और ब्रह नाम एक किरदार रह गया था जहांगीर का, और इनके नाम का फिर सिक्का भी इन्होंने अपने नाम का नूरजहां ने इशू करवाया। और ये बल्कि एक एक्टिंग रूलर कह लें, जहांगीर जब बीमार था जब नहीं बीमार था, तो एक मिक्स सा रूल था, और ज्यादातर जो फैसले थे वो नूरजहां करती थी। आप कह सकते हैं कि शी वाज ऑल इन ऑल, शी वाज एक्टिंग रूलर। अब हम एक लीनेज की बात कर लेते हैं। जहांगीर का जो नसब है वो इनके वालिद अकबर, इनके वालिद हुमायूं, हुमायूं के वालिद बाबर जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, इनके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा, फिर इनके वालिद सुल्तान अबू सैद जो कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए रूलर ऑफ समरकंद रहे, फिर उनके बाद प्रिंस सुल्तान मोहम्मद, फिर प्रिंस मीरान शाह, और उसके बाद तैमूर। यानी इनका शजरा नसब जो है, इनका जहांगीर का शजरा नसब जो है वो तैमूर से जा मिलता है। थोड़ी सी बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर की कोर्ट में, जहांगीर के दरबार में, और वह यहाँ पे 400 का मनसब हासिल करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त के किंग जेम्स को परसुएट किया, कन्विंस किया कि आप रॉय को भेजें एज रॉयल इन्वाइट टू दी आगरा कोर्ट ऑफ जहांगीर। और रॉय जो है ये 3 साल तक आगरा में जहांगीर की कोर्ट में रहे, 3 सालों तक। और राय ने फिर अपनी याददाश्त भी लिखी थी, ही बिकेम फेवरेट ऑफ जहांगीर। ये जहांगीर के साथ बैठता था, खाना खाता था, दोनों वहां पे बैठते थे। राय ने ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत की परमिशन हासिल की, और इनका राय का काम ये था कि इन्होंने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनकी बुनियाद रखी थी। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आने वाले दौर में बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रही है बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में, ये वो बिगिनिंग करने जा रही है कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, उसकी बुनियादें यहाँ से रखना शुरू हो गई थी, यहाँ से बनना शुरू हो गई थी। यानी ब्रिटिशर्स की जो रूल था इंडिया में उसकी बुनियादें बादशाह जहांगीर के दौर से पड़ना शुरू हो गई थी। इस स्लाइड का मकसद आपको बताने का ये है। खुसरो मिर्जा के बारे में मैंने बता दिया कि इसके बिलीफ सिस्टम जहांगीर से मिलता, अकबर से काफी मिलता जुलता था, और उस टाइम के जो फॉलोअर्स थे मुजद्दद अलफसानी के, उन्होंने रोल प्ले किया प्रिंस सलीम को अगला जानशीन मुकर्रर करवाने में। आसिफ खान की बात जो मैंने शुरू में बताया, कुछ किरदारों को समझना जरूरी है। अबुल हसन जिनका टाइटल इनको दिलवाया नूरजहां ने, इनकी इनकी बहन ने, आसिफ खान का जहांगीर से, ये बाद में शाहजहां के दौर में, चूंकि शाहजहां के सुसर थे, शाहजहां इनका दामाद था, लिहाजा शाहजहां ने अपने सुसर को ग्रैंड वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। ही वाज ब्रदर ऑफ नूरजहां, और खान समान बना दिए गए जहांगीर की कोर्ट में। और इसने इसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम जिनका मशहूर हुई मुमताज महल के नाम से, इसकी शादी जो है शाहजहां से की थी। और फिर यहाँ पे जिक्र आएगा ताजमहल का, शाहजहां ने अपनी इसी बेगम के लिए यानी आसिफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में फिर ताजमहल भी तामीर करवाया था। इनका मशहूर, जिस नाम से मशहूर हुई वो है मुमताज महल। अच्छा, फिर हिस्ट्री में आते हैं। 1615 में अमर सिंह ऑफ मेवाड़ ने जहांगीर को सबमिट किया, फिर जहांगीर के बिहाफ पे प्रिंस खुर्रम को फतह हुई अहमदनगर में 1622 में। फिर एक वाकया होता है, यानी अब ये आखिरी 5 साल हैं जहांगीर के, जब एक वाकया होता है। होता ये है कि ये वो वक्त था अराउंड 1620 से, कि जब 1611 में, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात याद रखने की बात, 1611 में शादी होती है मेहरुन्नसा की जहांगीर के साथ। और यहाँ पे होता ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि नूरजहां का जो रूल, जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ती जाती है, और आखिर में ये तख्त के ऊपर बहुत हद तक फैसला कुन शख्सियत बन जाती हैं। तो 1622 में ये सूरत हाल थी के सारे जो अहम फैसले थे रियासत के वो नूरजहां कर रही थी, और नूरजहां ये चाहती थी कि उनका जो दामाद है शहरयार वो हुक्मरान बने, और इस बात का पता शाहजहां को भी था। तो
ये क्या करती हैं कि उस वक्त पे एक हमला होता है कंधार पे पर्शियन फोर्सेस का। अब यहाँ पे नूरजहां शाहजहां को कहती हैं कि आप जाएं और कंधार को पर्शियन अटैक से बचाएं। यहाँ पे कंधार के स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसको दुरुस्त कर दी जाए कि उसमें जी गलती से आ गया है। तो यहाँ पे शाहजहां जो है वो ये सोचते हैं कि अगर जंग में वो कत्ल कर दिए जाते हैं तो हो सकता है, या इवन अगर बच भी गए तो वो यहाँ से काफी दूर कंधार में रहेंगे और हो सकता है कंधार में उनको हफ्तों या महीने लग जाएं, तो पीछे तख्त पे कब्जा होने का चांस है। लिहाजा इसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से दूर गया आगरा से तो पीछे तख्त पे कब्जा हो जाएगा, तो इसने इनकार कर दिया और कंधार जो है इनके हाथ से, मुगल्स के हाथ से निकल गया उस टाइम पे। और खतरा ये था शाहजहां को कि अगर वो यहाँ से दूर रहते हैं या इस मुहिम में जाते हैं तो पीछे से नूरजहां साजिश के जरिए अपने दामाद शहरयार को अगला मुगल एम्पायर बना देगी। अच्छा, इसके बाद रिवोल्ट कर देते हैं शाहजहां। दक्कन की जो आर्मी होती है शाहजहां को सपोर्ट करती है, गुजरात और मलवा भी सपोर्ट करते हैं शाहजहां को। यहाँ पे एक और किरदार इंटर होता है और वो है महाबत खान का। महाबत खान कौन है? ये मुगल जर्नैल है, वफादार था उस वक्त जहांगीर का। नूरजहां इसको डिप्यूट करती है कि आप जाएं और आप शाहजहां को शिकस्त दें। अब ये याद रखें कि तमाम अहम फैसले, किसको कहाँ भेजना है, कौन किधर जाएगा, ये सारे फैसले जहांगीर नहीं कर रहा बल्कि नूरजहां उनकी जो प्यारी बेगम है वो कर रही है कि किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ डिप्यूट करना है। तो महाबत खान आते हैं, मुगल जर्नैल था वो, आते हैं और वो शाहजहां को शिकस्त दे देते हैं और शाहजहां जहां से दक्कन चला जाता है। शाहजहां वापस जाता है और अपने वालिद से माफी मांगता है, लेकिन दरमियान में टाइम 3-4 साल गुजर जाते हैं। तो फिर बाद में रियलाइज होता है जहांगीर को कि मुझे अब अपने बेटे शाहजहां को माफ करना चाहिए, क्योंकि अब शायद अगला जो दौर है उसमें शाहजहां की जरूरत पड़ेगी, शाहजहां मेरा तख्त नशीन भी बन सकता है। तो इसमें फिर ये हुआ कि जो इनका अग्रीमेंट हुआ उसमें शाहजहां के दो बेटे यानी खुर्रम के दो बेटे दारा और औरंगजेब जो हैं वो अपने दादा जहांगीर की कोर्ट में भेजे गए एज हॉस्टेज, ताकि शाहजहां अपने मुआहदे से ना फिर सके। ये बात हम पहले कर चुके हैं, प्रिंस खुर्रम ने जब रिफ्यूज किया था कंधार और कंधार प्रोसीड करने से। अच्छा, 1613 में, 1613 में थोड़ा सा ये तरतीब आगे पीछे से ली हो गई कि कुछ किरदारों को मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए वो फैक्ट्स इकट्ठे कर दिए, इस वजह से थोड़ा तरतीब में आगे पीछे हो गया। क्रोनोलॉजिकल जो तरतीब है एआर वाइज वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है, लेकिन आपको एक किरदार से जो मिलती जुलती बात थी वो इकट्ठी बतानी पड़ी, इस वजह से ये मसला हुआ। 1613 में जहांगीर का जो रिवल था मेन राणा ऑफ मेवाड़ अमर सिंह, वो फाइनली खुर्रम की फोर्सेस से शिकस्त खा जाता है और 1615 में खुर्रम की फोर्सेस जो हैं या जहांगीर की फोर्सेस वो कांगड़ा फोर्ट पर भी कब्जा कर लेती हैं। ये वो फतूहात थी जो उस दौर में जहांगीर ने की, और ज्यादा ज्यादा जो कुरुदी किरदार था वो खुर्रम का ही था, यानी मुस्तकबिल का शाहजहां। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है, मोहब्बत खान जो है, ये बात याद रखें कि मोहब्बत खान नूरजहां के हुक्म से शाहजहां को शिकस्त देते हैं, और जब ये शिकस्त देते हैं तो खतरा पड़ जाता है नूरजहां को कि मोहब्बत खान ने शाहजहां यानी प्रिंस खुर्रम को तो शिकस्त दे दी है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि ये तख्त पे कब्जा कर लें। क्योंकि जहांगीर तो एक वीक रूलर था और नूरजहां उनकी बेगम थी, औरत थी, और उसकी लेजिटिमेसी के भी बहुत सारे इश्यूज थे खुद, तो उसको ये खतरा पड़ा कि कहीं महाबत खान के जहन में ललच ना आ जाए और वो तख्त पे कब्जा ना कर ले। तो ये उसके जहन में एक बात आ गई। उसने क्या किया, उसने इल्जाम लगा दिया महाबत खान पे कि आप मिसकंडक्ट आपने किया है और लिहाजा आप हाजिरी दें, रॉयल कोर्ट में आए और अपना अपने आप को ट्रायल के लिए पेश करें। प्लान ये था कि शायद प्लान का हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि प्लान ये था
कि महाबत खान को कत्ल कर दिया जाए गा वहां पे। महाबत खान को इस बात की समझ आ जाती है, उसको जहन में खतरा होता है कहीं मुझे मार ना दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ रॉयल राजपूत को ले आते हैं, जो राजपूत सोल्जर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा राजपूत आर्मी सोल्जर्स ले आते हैं, ताकि अगर कोई उस पर अटैक हो तो वो उसका जो है इंतजाम या उसके उससे बचने का कोई अरेंजमेंट कर सकें। ये अपनी एक आर्मी के साथ आते हैं 1626 में, और 1626 में आके ये क्या करते हैं, उस वक्त जहांगीर का जो कंटिजेंट होता है ये रिवर जेहलम के करीब होता है, तो यहाँ पे ये अटैक करके तो बादशाह जहांगीर को हॉस्टेज बना लेता है मोहब्बत खान। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझने वाली ये है कि नूरजहां भी सरेंडर कर देती है मोहब्बत खान के साथ, और जब ये दोनों मोहब्बत खान की कस्टडी में होते हैं। अच्छा, मोहब्बत खान के बारे में ये बात मशहूर है कि मोहब्बत खान ने जहांगीर के साथ कोई बदसलूकी या कोई ऐसा बुरा रवैया नहीं रखा था, उसने जहांगीर खान को इज्जत से ट्रीट किया, लेकिन उसको हॉस्टेज बना लिया। वहां पे नूरजहां और जहांगीर की हॉस्टेज होने के दौरान ही आपस में मुलाकात होती है, और यहाँ पे एक नूरजहां प्लान बनाती है। जैसा कि मैंने बताया कि नूरजहां बहुत अक्लमंद थी, तो यहाँ पे ये एक खेल रचाती है, और खेल ये होता है कि जहांगीर को कहती है कि आप ये कहो महाबत खान से कि मैं अपनी बीवी से तंग आ गया हूँ, लिहाजा मैं आपको ही एम्पायर मानता हूँ, आप बादशाह हूँ तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तो जहांगीर यही बात महाबत खान से करता है, लिहाजा महाबत खान मुतमिन हो जाता है, और मुतमिन होते होते जहांगीर उसको ये कन्विंस करता है कि आप जो राजपूत गार्ड्स हैं यहाँ से हटा दें मेरे आसपास से, तो राजपूत गार्ड्स की तादाद जो है वो कम कर दी जाती है। यहाँ पे नूर जहाँ ये प्ले करती है कि वो अरेंज करती है, वो मैसेज भिजवाती है अपनी दूसरी जो आर्मी है कि आप हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं जेहलम से लाहौर की तरफ, तो रास्ते में एक और आर्मी जो है वो आती है नूर जहाँ के हुक्म से, जो कि अटैक करती है मोहब्बत खान की फोर्सेस पे, और वो आर्मी जो है वहां से मोहब्बत खान की फोर्सेस को शिकस्त हो जाती है, और मोहब्बत खान वहां से भाग जाता है दक्कन की तरफ, और नूरजहां अपने शौहर और मुगल बादशाह जहांगीर को हॉस्टेज से छुड़ा लेती है। यहाँ पे नूरजहां ने एक और काम भी किया था कि जो जो नोबल्स थे जो कि जहांगीर के लायल नोबल्स थे, उनको भी अपने साथ मिला लिया था, और उन्होंने भी ये सारा प्लानिंग की, और किस तरह ये फौज आएगी और कैसे ये अटैक करेगी मोहब्बत खान पे, ये सारी की सारी प्लानिंग में नूरजहां सक्सेसफुली इसको प्लान करती है, और इस तरीके से मोहब्बत खान वहां से भाग के दक्कन पहुंच जाते हैं। ये वहां जाके शाहजहां से मिलते हैं। आप किस्मत की सितमदर्शी देखें कि जिस शाहजहां को इन्होंने शिकस्त दी होती है नूरजहां के कहने पे प्रिंस खुर्रम को, उसी शाहजहां के पास दक्कन में जाते हैं जो कि इनके साइड पे हो जाता है। वो कहता है कि चलें आप आ गए हैं तो अब आपका और मेरा मुस्तकबिल एक ही है, क्योंकि आपकी मुखालिफ भी वही है, मेरे मुखालिफ भी वही हैं, इनकी सुतीली माँ इनकी नूरजहां। तो बाद में जब शाहजहां तख्त पे आता है तो ये मोहब्बत खान को गवर्नर ऑफ अजमेर बना देता है। तो ये है मोहब्बत खान की स्टोरी। अब आते हैं जहांगीर के आखिरी अयाम की तरफ। जहांगीर जो है वो कश्मीर से लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं, सराय साद आबाद बिम्बर में, यहाँ पे इनकी वफात होती है 1627 में। इनका जो एग्जैक्ट डेथ की डेट है वो मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर 28 1627 में ये फौत हो जाते हैं, और इनके जो जिसम के अंदरूनी अज़ा हैं उनको वहाँ पे रिमूव करके वहाँ पे ही बागसार फोर्ट में दफन कर दिया जाता है, और जिनका बाकी जिस्म है एक्सटर्नल बॉडी जो है उसको लाहौर मूव किया जाता है, और इनकी वसीयत के ऐन मुताबिक शादरा बाग लाहौर के नज़दीक यहाँ पे इनका जो जिस्म है उसको दफन किया जाता है। इसको अब जहांगीर मॉज़ोलियम, जहांगीर टॉम भी कहा जाता है। ये आज भी
अपनी पूरी शान शौकत के साथ बाग के अंदर मौजूद है। इसके बाद इनके जो सक्सेसर हैं वो होते हैं प्रिंस खुर्रम। इनके जो सक्सेसर हैं वो होते हैं प्रिंस खुर्रम, जो कि अगले मुगल फरमानरवा बनते हैं। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। दरमियान में एक और रूलर आता है जिसका नाम है शहरयार मिर्जा, तो उसकी बात हम करेंगे इसी लेक्चर में ही। अब थोड़ा सा हम जहांगीर के रूल का एनालिसिस कर लें। जहांगीर का दौर जो है वो जहांगीर वाज प्लेयर लवर, ड्रिंकिंग करता था, और नूरजहां ने रूल किया इनके दौर में जहांगीर के प्रॉक्सी के तौर पे। जहांगीर का इतना अमल दखल आखिरी 8-10 सालों में नहीं रहा, बहुत वीक रूलर था, और इनके होते हुए इनके बेटों के दरमियान जंगें चलती रहीं, साजिशें होती रहीं, और जैसा कि नूरजहां थी, आसिफ जाह था, आसिफ खान था, प्रिंस खुर्रम था, प्रिंस जो शहरयार मिर्जा था वो था, खुसरो मिर्जा की वफात हुई, उनको कत्ल किया गया। तो ये सारी जो तख्त की जंग है वो इनके होते हुए चलती रही, और ये तमाशा देखते रहे। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्तसरन शहरयार मिर्जा के बारे में। शहरयार मिर्जा के बारे में बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अहम नहीं है, लेकिन हिस्ट्री की कंटिन्यूटी के लिए, हिस्ट्री की कंटिन्यूएशन के लिए इसके ऊपर हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं। शहरयार मिर्जा जो हैं, इनका सिर्फ 23 साल तक ये जिंदा रहे। 23 साल की उम्र में ये कत्ल कर दिए गए। ये भी तख्त के लिए लड़ी जाने वाली जंग में अपनी जिंदगी की बाजी से हाथ धो बैठे। इनका असल नाम सैफुद्दीन मोहम्मद शहरयार मिर्जा। ये पांचवें और सबसे छोटे बेटे थे जहांगीर के, नूरजहां के ये दामाद थे, और नूरजहां चाहती थी कि ये अगले रूलर ये बने, लेकिन ये कुछ देर के लिए रूलर बने, मुगल फरमा रवा बने, लेकिन इनकी जो सक्सेशन थी उसको कंटेस्ट किया शाहजहां ने, जो कि प्रिंस खुर्रम के नाम से, प्रिंस खुर्रम थे, शाहजहां के नाम से मशहूर थे। शहरयार ने अपने वालिद जहांगीर की वफात के बाद लाहौर से कुछ अरसे के लिए रूल किया, नवंबर 7, 1627 से लेकर जनवरी 19, 1628 तक, तकरीबन 3 महीनों तक, 2 से 3 महीने आप कह सकते हैं, अराउंड 2-2.5 महीने तक इनका रूल रहा। मुख्तसर दौर था। फिर खुर्रम जो इनके भाई थे, सुतीले भाई थे, जिनका नाम शाहजहां से मशहूर हुआ, इन्होंने फिर इनको अपने भाई शहरयार, सुतीले भाई शहरयार मिर्जा को शिकस्त दी एक जंग में और इनको कत्ल करवा दिया। शहरयार जो है, इनको मुगल एम्पायर नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका तो दौर मुख्तसर था, फिर इनकी सक्सेशन भी कंटेस्टेड थी, फिर पूरी तरह ये अपने रूल को इस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए। ये नूरजहां के दामाद जरूर थे, लेकिन इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे कि इनको हम मुगल एम्पायर हिस्टोरियन काउंट करें। इन्होंने मेहर नसा बेगम से शादी की, यानी डॉटर ऑफ स्टेप मदर नूरजहां, नूरजहां की बेटी मेहर नसा बेगम से शादी की, और ये नूरजहां की जो बेटी थी मेहर नसा बेगम, ये उनके पहले शोहर शेर अफगन से थी, यानी ये शेर अफगन से थी। इनकी बेटी शहरयार मिर्जा की मेहर नसा से एक बेटी हुई जिसका नाम था अरदानी बेगम, और ये जहांगीर ने इनको 1625 में, अक्टूबर 13, 1625 में इनको ठठा का गवर्नर बनाया शहरयार मिर्जा को। ये अपने बाप जहांगीर की वफात के बाद नूरजहां की ख्वाहिश के मुताबिक थ्रोन पे आया, और थ्रोन पे आने के बाद इसने शाही खजाने पे कब्जा किया, और वहां से बहुत सारी जो पैसे थे वो निकलवा के नोबल में तकसीम किए, ताकि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकें। आसिफ खान, जिनका हमने जिक्र किया, वो मुकाबले में आए, उन्होंने कहा जी मेरा दामाद जो कि खुर्रम है उसको बनना चाहिए अगला हुक्मरान, तो वो अपनी फोर्सेस लेके आया।
he wanted to make his son-in-law the next ruler of India. इस जंग में शहरयार ये जंग हार जाता है और इसको कैप्चर कर लिया जाता है, इसको कन्फाइन कर लिया जाता है और इस तरीके से इनका जो मुख्तसर दौर था उसका खात्मा होता है। शहरयार का दौर इस जंग के बाद ख़त्म हो जाता है। शाहजहां लाहौर के तख्त पे बैठते हैं January 23, 1628 को, और बैठते ही ये बहुत सारी एग्जीक्यूशन का आर्डर करते हैं, जिसमें से एक हुक्म ये भी होता है, एक एग्जीक्यूशन ये भी होती है, एक मौत का परवाना वो शहरयार के नाम भी जारी कर देते हैं कि शहरयार को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, और शहरयार January 23, 1628 को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो ये था मुख्तसर अहवाल शहरयार मिर्ज़ा की लाइफ हिस्ट्री का। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे शाहजहां, प्रिंस खुर्रम, शाहजहां के दौर के बारे में। होपफुली इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।